हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी बैग। ये बैग मैं बना रही हूँ एक पुराने कुर्ती से, तो इसी में से मैं टुकड़े निकालूंगी। इसके लिए मुझे 14 बाय 16 का, 14 ऐसे 16 ऐसे, इसके दो पीस लगेंगे और दो लाइनिंग के लिए लगेंगे। लाइनिंग मैं मजबूती के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आप सिंगल पीस में भी मीन्स सिर्फ आगे पीछे के लिए सिर्फ उतना निकाल के, लाइनिंग के लिए नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा। फ्रंट पीस में एम्ब्रॉयडरी है, इसके लिए मैं बैक पीस में ले रही हूँ। मैं बैक पीस में मुझे वो पूरा पीस नहीं मिला तो मैं फ्रंट पीस में से काट लूंगी। एक पीस यहाँ से निकल गया, दूसरा पीस देखती हूँ मैं, इसे थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं ये इसमें से हैंडल के लिए निकाल लूँगी और ये फ्रंट में से मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। दो पीस निकल गया, लाइनिंग के लिए भी मैंने ऐसे ही दो पीस काटे हैं सेम नाप के। इसमें मुझे 6 इंच का एक स्क्वायर है जिसको मैं डबल करूंगी, ऐसे फोल्ड करके ये ट्रायंगल काट दूंगी मैं। ये स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए है और ये 3.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 6 इंच है। ऐसे मुझे दो पीस चाहिए जिसमें मुझे डोरी लगानी है ताकि मैं स्ट्रॉबेरी खींच सकूं। और इसका ही हैंडल लगेगा 16 बाय 3.5, जो हम लोग रोज 3.5 जैसे लेते हैं वैसे ही। उसमें आपको स्टिफनेस चाहिए, थोड़ा स्टिफ है तो मैं उसमें यही डाल दूंगी। अगर आपको फेल्ट डालना है फेल्ट डाल सकते हैं या तो आप स्पंज डाल सकते हैं। इसमें मैं कोई क्विल्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये फोल्डिंग बैग है, क्योंकि इतने से जगह पर मुझे ये बैग पूरी तरह से अंदर फिट हो जाना चाहिए, इसके लिए इसमें कोई क्विल्टिंग नहीं होगा और कोई जिप भी नहीं चाहिए। देखिए इसमें मैं दो हिस्से कर दूंगी, ये 6 इंच का स्क्वायर था। देखिए 3.5 इंच का फोल्ड जहां से है वहां पे मैं सिंगल फोल्ड दे दूंगी और दोनों तरफ। लंबाई में मैं फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके इसके बीच में एग्जैक्टली मैं सिलाई करूंगी। मैं इसको बीच में सिलाई कर दूंगी, मतलब आधे पे। ये पीस जो है इसके बराबर ये हम लोग सेंटर में लगा देंगे, इसका सेंटर। यहाँ पे ये रॉ एज जो है मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर रही हूँ। फोल्ड कर लेंगे इसको अंदर की ओर, बस ये दबा दूंगी मैं। अभी मैं इसमें दाब सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं बाद के लिए रख रही हूँ। इसमें दाब सिलाई लगेगी लेकिन अभी नहीं। ये
ये सेम चीज मुझे इसमें भी करनी है। अभी ये 14 इंच लंबाई में 16 है तो इस पे ये ऐसा फिट करना है हमको जहां तक ये फिट हो सकता है वैसे। कॉर्नर पे कॉर्नर रखूंगी और ऐसे पूरा पिन करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। और यहाँ पे कहीं मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, ये फिलहाल खुला छोड़ रही हूँ। तो ये मैं सिलाई कॉर्नर से ही शुरू करती हूँ ताकि वो ठीक से आ जाए। ये लग गया है, अभी दूसरी ओर लगाना है मुझे। लेकिन दूसरी ओर हम कैसे लगाएंगे, सेम पीस तैयार करेंगे और ये इसके सामने रखेंगे इसे। अभी हमने राइट में लगाया, उसके बाद में हम लोग लेफ्ट में लगाएंगे, ये पीस ऐसे आएगा। तो ये बस ध्यान रखना है कि कैसे लगाएंगे हम लोग। मैं पहले ये तैयार कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ प्लेसमेंट कैसा है। ये इस तरह से आएगा, देखिए ये पीस तैयार हो गया है। मैं ये राइट साइड था, अभी ये लेफ्ट साइड, इसके सामने एग्जैक्ट सामने, मतलब ये बैक जब क्लोज होगी तो एक दूसरे के सामने ही आएगा। तो ये फिर से अभी ये कॉर्नर से यहाँ तक सिलाऊंगी। देखिए वैसे ही साइज उतना ही है तो उतने ही डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा वो। अभी ये दोनों साइड ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, एक के ऊपर एक रख के इस तरफ का बस ज्वाइन कर लेती हूँ। इसमें हमको डोरी डालनी है। डोरी आप लोग दो तरह से डाल सकते हैं, या तो हम लोग खोपली बैग के जैसे डाल सकते हैं, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर से यहाँ से लेके, मीन्स ये क्लोज होने के बाद वो डलता है खोपली जैसे। अगर पहले डालना है तो हमको, मीन्स वो डोरी फिर से निकले नहीं इसके लिए, तो यहाँ से डाल के हम लोग खुला छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास कॉर्ड स्टॉपर नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर डाल के यहाँ पे ये सिलाई में आ जाएगा, तो उसका दूसरा सिरा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ से डाल के यहाँ पे आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे वो डोरी फिक्स हो जाएगी, निकलेगी नहीं। मीन्स कभी कभी क्या होता है, कपड़े धुलते हैं तो डोरियाँ निकल जाती है, तो यहाँ पे हम लोग वो कॉर्ड फिक्स करें। अगर कॉर्ड स्टॉपर होगा तब भी हम लोग यहाँ फिक्स करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे उसको। ये ना ये बाद में काट लूंगी मैं। देखिए ये अराउंड इतना लंबा मैंने काटा है, क्योंकि मुझे वो नॉट लगाना है, तो शायद डोरी बाद में कम ना पड़े, इसके लिए मैंने ज़्यादा रखी है, बाद में कर दिया। अभी ये सेफ्टी पिन से हम लोग इस लूप में नहीं डालेंगे, इसके नीचे वाला जो लूप बनाया हम लोग ने उसमें ये डालेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही रख रही हूँ। अब ये जब नीचे का वगैरह हम लोग सिलाई करेंगे ना, तब ये इसके अंदर ही मैं सिला दूंगी, ताकि ये नॉट निकले ही नहीं। तो देखिए मैंने हैंडल के लिए काट लिया है। ये कुर्ती का कपड़ा काफ़ी पतला है, इसके लिए मैंने वो थोड़ा स्टिफनेस आने के लिए ये अंदर रखा है। अभी हम लोग हमेशा के जैसे ये डबल फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड करके इसका हैंडल बनाएंगे, ताकि ये थोड़ा मजबूत रहे। इवन इसके लिए दूसरी तरफ से भी हम लोग सिलाई करेंगे, ऐसा ही दूसरा हैंडल। ये देखिए अभी नॉर्मल जितना होता था इसका, उससे ये काफी मजबूत हो गया है। अभी ये दूसरे हैंडल भी मैं वैसे ही बना लेती हूँ।
इसका सेंटर नाप के हम लोग अभी 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ हैंडल लगा लेंगे। और दोनों तरफ से भी, दूसरे पीस में भी वैसे ही। दोनों हैंडल लगने के बाद हम लोग इसका साइड जॉइन करेंगे और बॉटम जॉइन करेंगे। बॉटम जॉइन करते वक्त ये सिर्फ इतना सा सिरा हम लोग नीचे की ओर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। पहले साइड जॉइन कर लेती हूँ, फिर बॉटम जॉइन करती हूँ। अंदर की ओर मैं खींच लेती हूँ इसे, ताकि ये थोड़ा सा ही बाहर की ओर रहे। अब ये बैग वैसे तो तैयार हो गया है, देखिए दोनों स्ट्रिंग्स भी अंदर ही अटक गए हैं। मुझे जस्ट ये खींचना है, देखिए ऐसे खींचना है। ऊपर का फोल्ड के अलावा ये वैसे तो बैग पूरा हो गया, लेकिन मेरे सॉफ्ट होने की वजह से और बैग की मजबूती के लिए मैं अंदर से लाइनिंग दे रही हूँ। अदरवाइज ये हमारा, अगर आपको अंदर लाइनिंग नहीं देना है तो ऊपर का फोल्ड के होने पर ये बैग रेडी है। अभी मैं अंदर का लाइनिंग दिया बना रही हूँ। लाइनिंग के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये तीनों सिरे जोड़ने हैं। देखो तीनों साइड्स आप जोड़ेंगे, पूरा डबल सिलाई वगैरह कर लीजिए, लेकिन इसमें जस्ट आप यहाँ पे 3 इंच छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हमें बैक फिर टर्न करना होगा, तो यहाँ से ये 3 इंच हम लोग छोड़ देंगे। देखिए इतना खुला सिरा छोड़ दिया है और ये ऊपर का पूरा खुला है। अब हम क्या करेंगे, ये उल्टा ही इनर साइड है, इसमें हम लोग ये सीधा साइड डाल देंगे। ये बैक का सीधा साइड इसमें अंदर डाल देंगे और इसको कॉर्नर से साइड से साइड जॉइन करके ये हैंडल भी अंदर की तरफ, हैंडल भी अंदर की तरफ इसको पिन करके सिलाई करेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जोड़ देंगे। ये पूरा सिरा ज्वाइन करेंगे। हैंडल ठीक से अंदर गया है, मैं देखेंगे हम लोग इसे आधे में अगर हमें मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सिलाई हो गई, अभी हमको ये सीधा करना है। सीधा हम लोग यहाँ से करेंगे।
भी इसको ऊपर से डार्क सिलाई कर देंगे ताकि ये अंदर का कपड़ा अंदर की ओर ही रहे। बैग तो तैयार है, आपको यही याद होगा देखिए अभी ये खुला है, हमको दाब सिलाई करना बाकी है। अभी दाब सिलाई हम क्या करेंगे, इसको और ये लाइनिंग के कपड़ा ये पूरा पकड़ के हम लोग इसमें से सिलाई करने वाले हैं। तो ध्यान से हमको पहले पिनअप करके फिर हम सिलाई करेंगे ताकि वो कपड़ा हिले नहीं। अगर ऐसे करना मुश्किल होता होगा तो आप हाथ सिलाई करके उसके बाद में उसको सिलाई करें। ये थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, इसके लिए उसको पिनअप करना जरूरी है। अंदर से भी ये सिलाई हो गई है, खुला सिरा छोड़ा है वही बंद कर रही हूँ। आप ये खुला सिरा पहले बंद कर दीजिए, मेरा इस तरफ था इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपका ओपन सिरा आपने वो स्ट्रॉबेरी के नीचे आ गया तो फिर वो बंद करना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर डाब सिलाई लगाने से पहले आप ये बंद कर लीजिएगा। बैग तो हमारी तैयार है, यहाँ बस नॉट के लिए मैं यहाँ कट लगाऊंगी। विदाउट कट भी मैं यहाँ पे नॉट लगा सकती हूँ। तो अभी ये देखिए हम ये बैग फोल्ड करते जाएंगे और सारा अंदर की तरफ धकेल देंगे। इसके लिए मैंने कहा था कि क्विल्टिंग नहीं हो सकेगा क्योंकि उसमें उतनी जगह नहीं है। ये लाइनिंग भी पतला ही चाहिए हमें कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। पूरी तरह से अंदर दबा के अगर वो स्टॉपर होगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मुझे यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी बैग तैयार है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू।